अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तारिक एके है। आज इस एपिसोड के अंदर मैं थोड़ी सी अपडेट दूंगा रिगार्डिंग इक्विपमेंट। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें कौन सा गियर आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप वीडियो मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने गियर को अपग्रेड करते हैं। मैं अब एक ऐसी स्टेज के ऊपर आ चुका हूँ जिसमें मेरा वेडिंग से रिलेटेड भी काम होता है, कमर्शियल्स भी होते हैं और मुख्तलिफ TVC शूट हो रहे होते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक कैंपेन करी थी, वो अभी ऑन एयर होगी तो मैं आप लोगों के साथ उसका नाम भी ले सकूंगा और शेयर भी करूंगा। उसको हमने एक तो रेड के ऊपर शूट किया था, बट पैरेलल मैंने उसमें वहाँ पर A7S III की बॉडी भी यूज़ करी, जस्ट टू चेक के क्या डिफरेंशिएट आ सकता है, और अगर हम DVC शूट कर रहे हैं तो क्या हम ये वाली बॉडी यूटिलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो वो डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस देयर इज़ अ डिफरेंस, लेकिन आप DVC के ऊपर उस चीज़ को आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो नियर फ्यूचर इंशाल्लाह मेरे पाइपलाइन में जो दो गियर्स हैं, बल्कि तीन, ये दो बॉडी और एक लेंस, जिसमें A7S III है, दूसरा A7IV है, और 35 mm 1.4 G मास्टर लेंस, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है। होपफुली मुझे जल्दी से रिसीव हो जाए। मैं काफ़ी अरसे से जो है मिस्टर समी के पीछे लगा हुआ हूँ इस चीज़ के, कि मुझे ये प्रोवाइड कर दिया जाए सो दैट मैं मज़ीद इसके ऊपर कंटेंट शेयर करके, शूट करके शेयर कर सकूँ। बट सो फार जो मेरा अपना एक फीडबैक है रिगार्डिंग दिस इक्विपमेंट और मैं क्यों ले रहा हूँ, ये मेरी क्यों चॉइस है, बेसिकली A7 III जो आया था हाइब्रिड बॉडी, वो मेरे पास काफ़ी अरसा रही और उससे मैंने काफ़ी, मतलब जो मेरे अर्लियर अर्लियर डेज के जितने भी व्लॉग्स हैं उस सारे मैंने A7 III से शूट किए। और एज यू गाइज नो कि मैं कैनन यूज़र था, मैंने कभी भी सोनी या कोई और बॉडी एज सच यूज़ नहीं करी। नाइकॉन का 750 जो थी बॉडी वो मैंने परचेज़ करी थी, लेकिन वो मिसफिट हो जाती थी मेरे बैग के अंदर, बिकॉज उसके साथ मैंने लेंस लिया था 12-24 mm, और उसके ऊपर प्रॉब्लम एक ही आती थी कि उस काफ़ी वेट की वजह से वो काफ़ी हैवी हो जाता था। अलॉन्ग विद दैट मेरे पास कैनन का भी था 16-35, तो जब मैं ट्रैवल के ऊपर जाता था तो मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि 750D के ऊपर जो था कोई और लेंस नहीं लग पाता, तो मुझे वो लेंस लेकर ही जाना पड़ता था, और वो बड़ा अमेजिंग लेंस था बाय द वे, लेकिन मैं कंफर्टेबल था 16-35 के ऊपर, इस वजह से मैं जो है वो भी मुझे रखना पड़ता था, तो मेरा बैग बहुत हैवी हो जाता था और ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली वो बहुत मिसफिट गेयर था। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरे पास A7 III की बॉडी आई, सो उससे मेरी ट्रैवलिंग भी काफ़ी, मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर एक बॉडी के साथ मैं उससे तस्वीरें भी खींचता था, वीडियो भी शूट करता था। और अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने जब लॉन्चिंग थी A7 IV की, तो उसके उसको जब मैंने शूट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि नो मैटर वॉट, मैं मुझे ये बॉडी चाहिए, कि एक कंप्लीट ऑलराउंड बॉडी है। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ये बॉडी जल्द से जल्द मुझे रिसीव हो और मैं इससे कुछ कंटेंट शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो आई होप कि इस वीक के अंदर मुझे ये बॉडी मिल जाए। उसका सबसे बड़ा मैं ये क्यों लेना चाहता हूँ, इसकी वजह ये कि A7 III के साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। जो मैंने व्लॉग, मेरी फ्रिक्वेंस ऑफ पोस्टिंग बढ़ गई थी, बिकॉज वो लाइट वेट था, ईजी टू हैंडल था, आप उसको ग्रैब करो और कहीं भी शूट कर लो, और एट द सेम टाइम मैं उससे तस्वीरें भी कैप्चर कर रहा होता था। लेट्स सपोज मैं हुंजा गया तो मैंने कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लिए जो कि A7 III से कैप्चर हुए हुए, और उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। अब मैं ये समझता हूँ कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी इन्हेंस और इम्प्रूव हुई है, सो आई बिलीव कि उसमें ऑब्वियसली 33 MP के साथ वो मुझे जब मिलेगी कोई रेजोल्यूशन इतनी बड़ी, तो बहुत अच्छा होगा पहले से ज़्यादा। तो दैट्स द रीज़न हाइब्रिड शूटिंग मेरा अपना स्टाइल भी है, मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ, तस्वीरें भी कैप्चर कर रहा होता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने इमरान राजपूत के लिए एक शूट किया था, उसके मेन फोटोग्राफर तो खावर थे, लेकिन मैं साथ साथ वीडियोस बना रहा था। सो उसमें मुझे वहाँ पर, मैं उस टाइम पे यूज़ कर रहा था A7 III की बॉडी, और उसमें वो वीडियो स्विचिंग का जो ऑप्शन था ना, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको डायल को मूव करके फिर वो पोज लेना होता है। अब जब आप कभी सेलिब्रिटी का शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको रुकवाएं, खड़ा करें और अपनी कैमरे की सेटिंग करें और फिर आप टेक लें। अगर आप कोई कंटेंट शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पेड मॉडल होती हैं, और वो फिर आपके वो बड़ा रिलैक्स होती है, उन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये यहाँ पर मेरे 2-3 घंटे लगेंगे, तो वहाँ चल सकती है चीज़। उस दिन मैंने उसको बहुत मिस किया। अगर मेरे पास A7 IV होता
तो मैं एट द सेम टाइम वीडियो शूट करके फ़ौरन एक डायल बस स्विच करके जो मेरी प्रीवियसली सेटिंग के ऊपर जिस पे मैं शूट करता आ रहा हूँ तस्वीरें, उसी सेटिंग के ऊपर मैं दोबारा से रीटेक करके तस्वीरें कैप्चर करने लग जाता। सो इक्विपमेंट आपको बड़ा हेल्प दे देता है, थोड़ा बहुत आई गेस आपकी टाइम इम्प्रूव हो जाती है, आप अपनी चीज़ों को जल्दी से कम्प्लीट करके पैकअप की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सेस टाइम होता है तो आप मज़ीद उसमें कॉन्टेंट शूट कर सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न मैं अब वेट कर रहा हूँ कि मुझे रिसीव हो जल्दी से। A7S III मैं क्यों परचेज़ करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो, बिकॉज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई है अब, वो आई थिंक कि मैं इवन अब काफ़ी साल बाद ले रहा हूँ उसको उसके लॉन्चिंग डेट से, लेकिन आई बिलीव कि वो मज़ीद 2 से 3 साल वो बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है और उससे कंटेंट आराम से शूट किया जा सकता है। और जो लेंस की मैं बात कर रहा हूँ 35mm 1.4G मास्टर लेंस, वो ऑब्वियसली मुझे अपना गियर कंप्लीट करना है, मैं क्योंकि कैनन से सोनी के ऊपर स्विच हुआ हूँ तो मेरा पूरा इंटायर गियर जो था वो कैनन के ऊपर था, उसमें 70-200 मैंने आई गेस 24-70 लेंस नहीं लिया था उसमें, बाकी मेरे पास पूरी रेंज थी, प्राइम लेंसेज थे। तो अब ऑब्वियसली जब मैं सोनी के ऊपर स्विच हो चुका हूँ तो मुझे गेयर अपना कंप्लीट करने के लिए ये लेंसेज की और बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इधर वो वेडिंग हो, कमर्शियल हो, टीवी चीज़ हो, आपको बैकअप गेयर भी चाहिए होता है, और एक सेकंड बॉडी के की वजह से हम एक और एक अगर वीडियो शूट कर रहे हैं किसी का, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक डिफरेंट एंगल से हम आराम से शूट कर सकते हैं। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू शेयर द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आफ्टर यूजिंग दोज इक्विपमेंट। सो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर उनकी अनबॉक्सिंग देखने को मिले, और अनबॉक्सिंग तो आपने बहुत सारी देखी होगी यार, अनबॉक्सिंग को छोड़ दें, हम जल्दी से कंटेंट शूट करते हैं उनको रिसीव होकर। अनटिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे। एक्शन को हम कर देते हैं अब यहाँ कट। अरे भाई एक बात बताना भूल गया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।